क्या आप कभी सुबह के 4 बजे उठकर प्रकृति की सुंदरता को देखे या महसूस किए हैं? कभी न कभी तो जरूर आपने सुबह की शांत और स्थिर समय में सूरज की पहली किरणों को आसमां में बादलों के साथ छुपा छुपी करते हुए तो देखा ही होगा, और गर्मी के मौसम में भी सुबह की उन शीतल हवा को महसूस कर आपको गुदगुदी भी हुई होगी। जो मोहल्ला पूरे दिन दुकानों, लोगों, गाड़ियों की चहल पहल से भरा रहता है, वही मोहल्ला सुबह सुबह शांति और समाधान से भरा रहे तो कानों को वो भी एक सुकून दे। फिर दूर से चिड़ियों की चहचहाट उस समय मधुर गजल के समान हमारे दिल को भी खुश कर दे। और इन सब के लिए ना तो हमें पैसे खर्चने की जरूरत है, ना किसी पर आश्रित होने की। यह सब और ऐसे अनेक प्रभु परमेश्वर की रचनाएं हैं जो हमारे आनंद और सुकून के लिए निर्मित की गई हैं। मगर बदकिस्मती ही समझिए कि हमारे आजकल के 24/7 वर्किंग आवर्स में जीवन की ऐसी हसीन नजारों को देखने या महसूस करने का मौका हमें हर दिन नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जब आपका एक पैर रसोई में और दूसरा पैर अपने बच्चों को तैयार करके भोजन या घर के अन्य कार्य को खत्म करके किसी भी तरह नहा धोकर कैब पकड़ने में हो, तो प्रकृति की सुंदरता और सुकून के बारे में आप कैसे सोचे। मगर कोशिश तो करें, जरा आपके आसपास के उपहारों पर ध्यान देकर उसे एक बार महसूस तो करें। फिर बस आप खुद ब खुद कब बदल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आइए प्रभु परमेश्वर के इन अनमोल उपहारों का आनंद उठाते हुए, उनकी आराधना करते हुए अब से हर दिन एक नए जोश और एक अच्छी सोच से शुरू करते हैं।